जैसे ही यूजर ये पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे तो जो वायरस है वो उनके डिवाइस में आ जाएंगे। वेलकम टू साइबर शो विद स्नेहल वकीलना ऑन लो पेज। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे साइबर क्राइम केस के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली हुआ है, और इसमें जो भी साइबर क्रिमिनल्स है दे डू टारगेट द इंस्टाग्राम यूजर्स एज वेल एज बिग सेलिब्रिटीज। वेल, ये जो साइबर क्राइम है उसमें जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो फिशिंग वेबसाइट में से पर्टिकुलरली जो इंस्टाग्राम यूज़र है उनको टारगेट करके मैसेजेस भेजते हैं, और ये जो मैसेजेस हैं उसमें पर्टिकुलरली ये मेंशन किया गया होता है कि ये जो यूज़र है उन्होंने इंस्टाग्राम की जो कॉपीराइट पॉलिसी है उनका उल्लंघन किया है, और उनका जो पर्टिकुलर इंस्टा अकाउंट है वो 24 आवर्स के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। वेल, अगर हमारे ये जो यूज़र है उन्हें अपने अकाउंट को बचाना है देन दे आर सपोज टू फिल अ फॉर्म जो उनके साथ लिंक में उनको दिया गया होता है। वेल, ये जो फॉर्म है उसके अंदर ये जो भी साइबर क्रिमिनल है वो उनकी प्राइवेट सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इंक्लूडिंग देयर बैंक एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। सिमिलरली, जब भी कोई यूज़र ये लिंक को क्लिक करेगा तो ये जो लिंक है वो पर्टिकुलरली एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, और जैसे ही यूज़र ये पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे तो जो वायरस है वो उनके डिवाइस में आ जाएंगे और उनके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देंगे, और उसके बाद उनका जो भी डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई मैसेज मिलता है ऑन योर व्हाट्सएप और योर पर्टिकुलर इंस्टा अकाउंट के जो मैसेजेस हैं उसमें, देन जस्ट बी अलर्ट, ऐसी कोई लिंक पे आप क्लिक मत कीजिए, और इसकी जो रिपोर्ट है वो आप इंस्टाग्राम को भी कीजिए एज वेल एज का जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ भी इसकी जो रिपोर्ट है वो आप बिल्कुल कीजिए। देयर आफ्टर, अगर आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, आपका जो भी पर्टिकुलर डिवाइस है वो इन्फेक्ट हो चुका है, आपने वो जो लिंक है उस पर क्लिक कर दी है, देन डू नॉट पैनिक। इसमें सबसे पहले तो आप अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हो वाया दैट पर्टिकुलर लिंक तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, और आपका जो भी डिवाइस है उसको पर्टिकुलरली जो भी एंटीवायरस है विथ लाइसेंस वर्जन उसे आप स्कैन कर दीजिए, और आपके पर्टिकुलर डिवाइस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आप एक बार अपडेट कर दीजिए। तो इतना आप बिल्कुल कर दीजिए जिससे आप सेफ हो जाएंगे। पर्टिकुलर जो इंस्टाग्राम कॉपीराइट फिशिंग स्कैम का जो साइबर क्राइम है उसके बारे में मैं एक और बात आपको कहूँगा। वेल, नॉट ओनली दिस, बट मिस्टर रितेश देशमुख हु इज़ अ बॉलीवुड स्टार, उनके ऊपर भी ऐसे कुछ मैसेजेस जो है वो रिसेंटली भेजे गए थे, और इस बात के लिए उन्होंने पर्टिकुलरली अपने जो ट्विटर अकाउंट है एज वेल एज उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर अपने जो भी फॉलोअर्स है उनको अलर्ट किया था विच इन रिलेशन टू इंस्टाग्राम कॉपीराइट फिशिंग स्कैम। सिमिलरली, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र साइबर क्राइम सेल जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक एडवाइजरी फॉर्म की है विच इज़ इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर फिशिंग स्कैम, जो आप ऑनलाइन सर्च करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। सो दिस वॉज आर टूडेज एपिसोड विच वॉज इन रिलेशन टू इंस्टाग्राम कॉपीराइट फिशिंग स्कैम। जल्दी हम मिलेंगे किसी और नए साइबर क्राइम केस के साथ या फिर किसी साइबर क्राइम अवेयरनेस टिप के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग साइबर शो विद स्नेहल वकीलना ऑन लोकतेज। थैंक यू।